रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, एक ऐसा त्योहार जिसमें रक्षा का वचन होता है। यही वजह है कि गाजियाबाद के जलालाबाद में भले ही रिहाइश मुस्लिमों की ज्यादा हो, मगर हिंदुओं के साथ वो इस त्योहार को मनाने से पीछे नहीं रहते। गांव में किसी तरह का विवाद नहीं है। जितनी ललक यहां हिंदू परिवारों को है, रक्षाबंधन मनाने को लेकर उतनी ही ललक मुस्लिम परिवारों में भी है। ये हमारी मुंह वाली बहन है और मैं हर साल राखी बनवाने के लिए आता हूँ, और ये रिश्ता जो हमारा है ये कोई धर्म के मामले में कुछ नहीं है, ऐसा हम इन चीज़ों को नहीं मानते। ये रिश्ते खून के भले ना हो, मगर जज्बातों में कोई फर्क नहीं। यही वजह है कि भाई हिंदू हो और बहन मुस्लिम, तो भी मर्यादा की ये डोर कहीं कमज़ोर नहीं पड़ती। 15-16 साल से बना रहे हैं, बहुत एकता है हमारे में, भाई बहनों में मोहब्बत है हमारी, ये रक्षाबंधन मनाते हैं। ये तो रही उस गांव की तस्वीर जहां रिश्तों का नया संसार गढ़ा गया है, मगर गाजियाबाद में ही एक गांव ऐसा भी है जहां रक्षाबंधन की खुशी दिल में सिमट कर रह जाती है, वो कभी हकीकत की कलाइयों तक नहीं पहुंच पाती। दावा किया जाता है कि सुराना नाम के इस गांव पर कभी मोहम्मद गौरी ने हमला किया था, जिसके बाद से गाँव वालों ने राखी मनाना छोड़ दिया, और जिस किसी ने मनाने की सोची भी उसे उसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। हमारा मन करता है अपने भाइयों के राखी बांधने जाएं, तो कैसे जाएं, हम नुकसान उठाते हैं, हमारे मौत हो जाती है, नुकसान हो जाता है। अतीत की ये बात गांव के लोगों ने गांठ बांध ली, लिहाजा रक्षाबंधन सभी के लिए आता होगा, मगर सुराना के लिए तो कतई नहीं। भाई और बहनों का यह त्योहार एक कड़वी यादों में सिमट कर रह जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।